इस बार की सर्दियों में पहली बार छाए कोहरे ने फ्लाइट्स के संचालन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हालांकि जयपुर एयरपोर्ट पर कोहरे में भी फ्लाइट्स उतारने की क्षमता है और अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए हैं, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट की खराबी के चलते परेशानी हुई और इस कारण रात से सुबह तक फ्लाइट्स का संचालन प्रभावित रहा। एक खास रिपोर्ट देखिए। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सर्दियों में कोहरे की वजह से इस बार पहली दफा फ्लाइट्स के संचालन पर असर हुआ है। गुरुवार और शुक्रवार की मध्यरात्रि में कोहरा बढ़ना शुरू हुआ और इस कारण फ्लाइट्स का आवागमन प्रभावित हुआ। यूं तो जयपुर एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक लैंडिंग सिस्टम कैट 3B लाइटिंग लैंडिंग इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम लगा हुआ है। इस सिस्टम के चलते मात्र 75 मीटर की दृश्यता में भी फ्लाइट्स को लैंड कराया जा सकता है, लेकिन गुरुवार को इस इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम का एक पार्ट खराब होने की वजह से एयरलाइंस को एडवाइजरी दी गई कि लैंडिंग के लिए कम से कम 550 मीटर रनवे दृश्यता की जरूरत है। इस दौरान जिन विमानों में कैट 3B लैंडिंग इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के सपोर्टिंग उपकरण नहीं थे, उन विमानों को लैंड नहीं कराया जा सका। रात 10:40 पर हैदराबाद से आई इंडिगो फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हुई। रात 11:10 पर सूरत से आई स्पाइसजेट फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो सकी। दोनों फ्लाइट्स को करीब आधे घंटे होल्ड पर रखने के बाद दिल्ली डाइवर्ट किया गया। विमान की अनुपलब्धता के चलते आज तड़के 4:50 पर हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट हुई रद्द। शुक्रवार सुबह 9 बजे तक जयपुर एयरपोर्ट पर रनवे दृश्यता 500 मीटर से कम रही। इस कारण अलग अलग शहरों से जयपुर आने वाली फ्लाइट्स के आगमन में देरी हुई। जिन विमानों में कैट 3B सपोर्टिंग सिस्टम लगा हुआ था उनकी लैंडिंग हो पा रही थी, हालांकि इसमें पायलट की दृश्यता भी काफी हद तक डिपेंड करती है। सुबह 5:30 पर गोवा से जयपुर आने वाली फ्लाइट हुई लेट। फ्लाइट कम दृश्यता के चलते गोवा से लेट रवाना हुई। सुबह 7:05 पर जयपुर पहुंची। सुबह 6:50 पर दिल्ली से जयपुर आने वाली फ्लाइट नहीं आ सकी। इंडिगो की यह फ्लाइट सुबह कोहरे के चलते 2 घंटे से ज्यादा लेट हुई। सुबह 8:25 पर दिल्ली से आने वाली इंडिगो फ्लाइट भी आधे घंटे लेट आई। जयपुर एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से कैट 3B लाइटिंग इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम के खराब इंस्ट्रूमेंट को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट प्रशासन से जुड़े सूत्रों की माने तो जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा। इसके बाद एक बार फिर से अत्यधिक कम दृश्यता में भी फ्लाइट्स का आवागमन सुचारू हो सकेगा। काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।